यानी निर्भया के गुनहगारों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। इस जघन्य वारदात के चारों आरोपी 7 सालों से जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं और उनकी फांसी टालने की हर मुमकिन कोशिश उन्होंने कर ली है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि निर्भया गैंगरेप के आरोपी की दया याचिका पर राष्ट्रपति का फैसला किसी भी पल आ सकता है। राष्ट्रपति अगर दया याचिका खारिज कर निर्भया के गुनहगारों की फांसी को हरी झंडी दिखाते हैं तो उसके 15वें दिन निर्भया के गुनहगारों की फांसी तय है। निर्भया के गुनहगारों का फंदा तैयार। बक्सर की जेल में फंदे तैयार, लटकेंगे निर्भया के गुनहगार। निर्भया के दोषियों का आखिरी वक्त करीब आ रहा है। गैंगरेप के गुनहगारों के लिए फांसी के फंदे तैयार हो रहे हैं, बस अब डेथ वारंट का इंतजार है। 16 दिसंबर को मिलेगा निर्भया को इंसाफ। बक्सर सेंट्रल जेल में देश को दहला देने वाले निर्भया हत्याकांड के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए रस्सी बनाने का काम चल रहा है। जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो बक्सर जेल से ही रस्सी मंगाई जाती है। बक्सर जेल को एक बार फिर 10 फंदे तैयार करने का ऑर्डर मिला है। पेपर अधिकारी के द्वारा एक निर्देश दिया गया कि आप 10 हैंगिंग रूम जो है बनाकर तैयार रखिए, आने वाले समय में इसकी सप्लाई का ऑर्डर आएगा, तो हम लोग 10 रस्सी को बनवा रहे हैं। हैदराबाद में दिशा से गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जला देने के आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब ऐसे मामलों के गुनहगारों को तुरंत फांसी पर लटकाने की मांग तेज हो गई है। आज से 7 साल पहले पूरे देश को हिला कर रख देने वाले दिल्ली के निर्भया केस के गुनहगारों को फांसी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रपति से इस मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की गुजारिश की थी। इसी के बाद निर्भया केस के दोषियों को फांसी की सजा की चर्चा जोरों पर है। चर्चा है कि 16 दिसंबर को इन्हें फांसी दी जा सकती है। इसी दिन निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। हालांकि राष्ट्रपति से अब तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद 14 दिन में फांसी की सजा दी जाती है। बक्सर जेल में तैयार हो रहे फंदे को इसी से जोड़ा जा रहा है। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को बक्सर से बनी रस्सी से ही फांसी दी गई थी। ये एक्चुअली मैनुअल वर्क है और ये एक परंपरा से बनती आ रही है। जैसे अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे प्रिजनर्स हैं जो कि अफजल गुरु के समय में जब रस्सी प्रोवाइड की गई तो उस समय भी उन्होंने बनाया था, और इंस्ट्रक्टर जो है हमारे निर्माणशाला के वो अभी भी कार्यरत है। तो एक परंपरा सी है, लोग अपनी विधा को दूसरे को देते हैं और फिर इस तरह से सिलसिला चल गया। उधर निर्भया केस के एक दोषी पवन को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। चारों दोषी तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि जेल प्रशासन के पास कोई अंतिम लेटर नहीं आया है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निर्भया के चारों दोषियों में से ज्यादा वजन वाले कैदी के हिसाब से एक डमी को फांसी देकर देखा गया है। डमी में 100 किलो बालू रेत भरी गई थी। डमी को 1 घंटे तक फांसी के तख्ते पर लटकाए रखा गया। इस बीच फांसी की सजा काट रहे एक दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। उधर अन्ना हजारे ने निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मौन व्रत करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निर्भया केस के आरोपियों को जल्द फांसी दी जा सके।